चले नाजरीन, जहां इससे पहले डोडा बावन की अगर बात करते तो बताया आप देख रहे थे और हम भी आप तक अपडेट कर रहे थे कि डोडा बावन से बीजेपी का पलड़ा भारी था, लेकिन दो राउंड जो बीच में आए 3000 की लेट भाजपा कर रहा था, लेकिन जो ही 9वां और 10वां रोड आता है तो महराज मलिक आम आदमी पार्टी का झाड़ू ने सफाई का जो है सफाई करना शुरू कर दिया। और इस वक्त अगर आप देखेंगे 10वां रोड जो ही आता है वहां से साफ नजर आने लगा कि वो आम आदमी पार्टी का झाड़ू जो है उसने कहीं ना कहीं जो है बढ़त बना दी है। जहां इससे पहले आपको फिलहाल बावन की पूरी रिपोर्ट आपको बता दूं, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए 10,696 वोट जो है आए हैं। इसके अलावा नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो 3,542 वोट आए हैं। भाजपा की अगर बात की जाए 16,000, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 16,880 वोट आए हैं। लगभग जो है 800 वोटों से जो है अब इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी महराज मलिक जो है लीड कर रहे हैं। इससे पहले दो राउंड जो गए थे उन दो राउंडों ने कहीं ना कहीं जो है पलटाया है इस बाजी को। एक बार फिर आपको बताऊं, इससे पहले 3000 की जो लीड थी भाजपा के पास, लेकिन जो ही गालबन ये एरिया जो होगा बलेसा बक्स खुले होंगे और वहां से साफ जो है जाड़ू ने पूरी तरह से सबको साफ कर दिया है। 800 की लीड चले गई है। अब यहां से ऐसा लग रहा है कि ये जो है महराज मलिक यानी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट अब जो है पीछे नहीं आएगा, जो है जीत दर्ज करके ही छोड़ेगा। इससे पहले लगातार हम देख रहे थे कि भाजपा का जो भारी होता जा रहा था, स्टार्ट के जो राउंड थे उसमें डीपीएपी था, उसके बाद डीपीएपी के कैंडिडेट अब्दुल मजीद वारी साहब जो है पीछे रह गए, काफी पीछे रह गए, लेकिन उसके बाद भाजपा के कैंडिडेट गजय सिंह राणा ने काफी मुकाबला किया आम आदमी पार्टी के लीडर महराज मलिक के साथ। महराज मलिक को पीछे धकेला, लगभग 3000 की बढ़त बनाए हुए था, लेकिन जो ही दो राउंड आए हैं 9वां और 10वां राउंड जैसे ही आता है तो उस राउंड से पूरा जो है पूरी जो लीड थी वो खत्म हो जाती है और महराज मलिक आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट 800 वोटों से अभी इस वक्त जो है लीड कर रहा है। और ये अपडेट जो है इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राय रखें और जुड़े रहें अंत तक। अभी जो है बाकी जो आने वाले 3 राउंड ओवर हैं, जिन 3 राउंडों पे और भी कुछ निर्भर करेगा, और भी कुछ देखने को मिलेगा। देखना यह होगा कि जीत किसकी झोली में होगी। अभी जो है जीत को अगर हम देखेंगे तो महराज मलिक जो है सबसे पहले है, उसके बाद गजय सिंह जो है दूसरे नंबर पे है और लीड जो थी 3000 की उस लीड को जो है खत्म कर दिया है। और इससे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो महराज मलिक की झोली में जीत जाएगी, ये आने वाला कल बताएगा। लेकिन इसके अलावा आपको पाडर नागसेनी की अगर बात की जाए, वहां से सुनील शर्मा ने जीत दर्ज कर दी है और जम्मू कश्मीर में मुझे लग रहा है कि पहला ऐसा हलका है जहां से बीजेपी को एक सीट मिल गई है। लेकिन डोडा बावन जो है काफी कांटेदार मुकाबला स्टार्ट से ही रहा, कंपेनिंग से ही रहा, जोश जलवा रहा, इनकलाब के नारे लगे और लग रहा है कि वो इनकलाब जो है हकीकतन में है जो है इनकलाब लाएगा और महराज मलिक जो है यहाँ से जीत दर्ज करेगा। फिलहाल ये अपडेट थी, देखते रहे इंडिया ट्रिब्यून न्यूज़ पे मेजबान मुदसिर वानी के साथ।